अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ कंपनी। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं काफ्ता कबाब, जिसमें मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून धनिया साबित, 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबित, 1 टीस्पून सौंफ साबित और 1/4 चम्मच काला ज़ीरा साबित। इसके अलावा एक से दो पत्ती जावित्री की लेनी है। देखें ऐसे इतनी बड़ी हो सही। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का। देखें इतना बड़ा टुकड़ा हो जायफल का सही। इसके अलावा मुझे चाहिए एक बड़ी इलायची सही, 1 छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग सही। इसके अलावा 1 टुकड़ा 1 इंच का दालचीनी का साबित सही। अब इन सारे मसालों को मैं ग्राइंड करूंगी। इलायची जो है उसके मैं छिलकों को रिमूव करूंगी, फिर उसको ग्राइंड करूंगी सही। डायरेक्ट इलायची को नहीं करना है ग्राइंड। उन मसालों को पीस के मैं एक तरफ रख दूंगी। अब मैंने लिया है 1/2 kg कीमा सही है, बीफ का कीमा लिया है मैंने 1/2 kg। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 4 खाने के चमचे भुना हुआ चना जिसको मैंने पाउडर कर लिया है, 4 खाने के चम्मच मैं इस्तेमाल करूँगी इसको, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरा पपीता 2 टेबल स्पून, ये भी मैंने पिसा हुआ इस्तेमाल किया है सही। अब मैं ये सारे मसाले शामिल कर रही हूँ जो मैंने पीसे थे, ग्राइंड किए थे, ये मैं पूरे शामिल कर दूँगी सही। अब मैं 1/2 कप इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई चने की दाल, मैंने चने की दाल को पीस के रखा था, ये 1/2 कप है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी शामिल कर रही हूँ, 1/4 कप मैं इसमें दही शामिल करूंगी। सारे मसाले इसमें शामिल हो चुके हैं, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, इतना अच्छे से मिक्स करना है कि सब बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इतना अच्छा से मिक्स करना है इसको। इतने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसकी छोटे छोटे बॉल बना लूँगी सही, स्मॉल स्मॉल से, और फिर उसको एक सीख में या किसी भी स्टैक में डाल के इसको, देखिए मैं किस तरह करती हूँ ना, इसी तरह करूँगी, इसके बीच में होल कर दूँगी सही। लेकिन जो बॉल बना रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा वो स्मूथ होनी चाहिए बॉल, वरना आपके ना कबाब्स टूटने लगेंगे बीच बीच में। और हाथ में, हाँ हाथ में घी लगाना मत भूलिएगा, हाथ में घी ज़रूर लगाइएगा, इससे बहुत स्मूथ सा टेक्सचर आता है इसका। देखिए इस तरह बना लें, इसी तरह आप सारे बना लीजिएगा। मेरे सारे कबाब इसी तरह तैयार हो चुके हैं, मैं इसको इस तरह से अरेंज करके रख दूंगी। यहाँ बीच में मैं एल्युमिनियम फॉइल बिछाऊंगी,
यहाँ पे बीच में बिछाऊंगी, देखिए ऐसे, इसके ऊपर मैं जलता हुआ कोयला रखूंगी। सही, देखें इस तरह से मैं चमटे से पकड़ के जलता हुआ कोयला इसके बीच में रखूंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालूंगी ताकि ये स्मेल अच्छे से, ये धुआं फेंकने लगे, स्मेल देने लगे। देखें घी डालते ही कैसे इसने इतनी तेज़ से धुआं फेंकने लग गया ये। अब मैं इसको एक बड़े बर्तन से ढक दूंगी ताकि इसका धुआं बाहर ना निकले, सारा कबाबों में ही जज्ब हो। 10 मिनट तक धुआं देने के बाद मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल गरम करके एक पैन में, अब मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ। डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई ही करना है इसको, और बहुत ज़्यादा दरमियानी आँच पे करना है क्योंकि इसका गोश्त गलेगा भी। सही, तो इसको शैलो फ्राई करना है और लाइट ब्राउन कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन सा जब कलर आ जाएगा जब तक हमें इसको फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। सही, देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसको रायते के साथ खा सकते हैं या फिर चपातियों के साथ, रायते के साथ, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको खा सकते हैं और इस तरह से सर्व कर। इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। सही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।